हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग एकदम बेसिक से ट्रिगोमेट्री सीखेंगे। ट्रिगोमेट्री है क्या? सबसे पहला बात ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगो के थ्री साइड्स के लिए होता है, ये डिपिक्ट करता है थ्री साइड्स, ओके। एंड मेट्री होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड इज ट्रिगोमेट्री। इसमें तीन साइड से क्या बनता है? ट्रेंगल बनता है। एक्चुअली हम लोग ट्रेंगल का स्टडी करते हैं, ठीक है, और ट्रेंगल के साइड्स के बारे में और इसके एंगल के बारे में, एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा एक्चुअली हमको बताओ ट्रायंगल बनता कैसे है? क्या किसी भी, मान लो मेरे पास तीन साइड्स है, ए बी और सी, ए बी और सी तीन साइड्स हैं, तो ट्रायंगल बनना कब पॉसिबल होगा? जब ए प्लस बी ग्रेटर देन सी हो, तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है। अगर तुम्हारा इक्वल टू हो या लेस देन सी हो तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। ट्रेंगल नहीं बन सकता है। दो, किसी भी दो साइड का समेशन थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रेंगल पॉसिबल होगा, ठीक है। इक्वल होने से भी नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये एंगल, सबसे पहले बात एंगल। अच्छा एंगल, एंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी भी एंगल क्या होता है? अगर एंगल, अगर इस पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। अगर हम उल्टा जाएँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएँ, ये नेगेटिव काउंट करते हैं, ठीक है। और ये देख लो, ये 0 से 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 90। जीरो क्या है? ये वाला लाइन 0 है और ये वाला लाइन 90 है, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक आ जाए, क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो 270 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आ जाए, पूरा एक सर्कल बना दे तो 360 डिग्री हो गया, ठीक है, 360 डिग्री। अच्छा थोड़ा सा पाई और रेडियन में, रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है? एंगल मेजरमेंट करते हैं हम या तो एक डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं। जैसे एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। 360 डिग्री इक्वल्स टू हम 2 पाई लिख सकते हैं। ये पाई, ये क्या है? रेडियन में है, रेडियन में है, ये भी एक एंगल ही है लेकिन रेडियन में लिख रहे हैं। 360 इक्वल टू 2 पाई, तो पाई इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री और ये बिल्कुल उसी के बराबर होता है, पाई यानी 22/7 या 3.141 के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर देखें, मान लो 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 रेडियन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 180/पाई, 180/पाई ये होता है तुम्हारा 57.3 डिग्री के आसपास। अगर मान लो तुमको लिखा हुआ है 2, तो 2 से कितना हो जाएगा? 180, 180/पाई इंटू 2, ये हो जाएगा 0.6411, इतना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम आते हैं अब साइड ट्रेंगल के बारे में। तो अच्छा ट्रेंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ट्रेंगल, हाँ तो हम लोग अब ट्रेंगल के बारे में जान लेते हैं। ट्रेंगल दो, हम ट्रेंगल को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेंगल को हम दो तरीके से देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स, और दूसरा होता है एंगल के बेसिस पे, ठीक है। तो साइड के बेसिस, साइड्स के बेसिस पे, साइड साइड्स के बेसिस पे होता है 3 तरह का, और एंगल के बेसिस पे भी होता है 3 तरह का, ठीक है। एंगल के बेसिस पे भी होता है 3 तरह का। साइड्स के बेसिस पे होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इसमें तीनों साइड। अच्छा इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट पेज में करते हैं। साइड्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे होता है 3 तरह का। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है, ऑल थ्री साइड्स इक्वल। अगर तीन साइड मेरा ए है, बी है और सी है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होगा। दूसरा होता है हमारा इक्वी आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इसमें कोई भी दो साइड इक्वल होगा, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, दो साइड इक्वल होगा, थर्ड साइड इक्वल नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक मेरा थर्ड हो जाता है, थर्ड हो जाता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इसमें मेरा कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा एंगल के बेसिस पे देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे हो जाता है फिर से मेरा 3 तरह का, फिर से मेरा 3 तरह का होता है, वो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट में क्या होता है? तीनों मेरा एंगल होता है, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल थ्री एंगल्स। अच्छा एक ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है? तीन एंगल बनता है, देखो एक दो तीन, तीन एंगल बनता है। और ये मान लो थीटा 1 है, थीटा 2 है और थीटा 3 है, थीटा 3 है, तो तीनों का समेशन कितना होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऑल थ्री आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक
ठीक है 180 डिग्री, इसमें ऑल थ्री लेस देन, इसमें तीनों जो एंगल है ऑल थ्री θ1, θ2, θ3 ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें एनी वन, अब इसमें से कोई भी एक एंगल अगर थीटा मेरा 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, कोई भी एक एंगल 90 के बराबर हो जा रहा है तो वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और कोई भी एक एंगल मेरा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जा रहा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक, अच्छा एक्यूट एंगल देख लो, अच्छा तो ये मेरा राइट एंगल जो ट्रायंगल है इसमें कोई भी एक एंगल 90 होने पे राइट एंगल, ये मेरे बहुत काम का होता है क्योंकि बाकी सारा स्टडी इसी पे होता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल होता है, अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा थोड़ा देख लो, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जा रहा है, तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों इक्वल एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री करके होता है। ठीक है 60 डिग्री करके होता है, अच्छा दो अगर इक्वल हो जाए, दो साइड्स इक्वल हो जाए तो दो जो साइड्स इक्वल होता है वो दो एंगल इक्वल एंगल बनाता है, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, और ये कोई डिफरेंट एंगल होता है। ठीक है, और स्केलेन एंगल में तो तीनों साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तीनों डिफरेंट होता है। अच्छा ये तो पता है ना, ये ट्रायंगल बनने का कंडीशन है ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, इक्वल या लेस देन हो जाए तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, टू मेक ए ट्रायंगल ये कंडीशन होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अच्छा इक्यूट एंगल राइट एंगल, तो आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो मेरे सबसे काम का है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसमें तुमको डिसाइड करना पड़ेगा बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। अगर सबसे पहला बात एक एंगल डिसाइड कर लो कि ये वाला एंगल लेके हम स्टडी करेंगे थीटा, अगर ये मेरा थीटा है तो इसको बोलेंगे, इसके सामने वाले साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, अगर मान लो हम ट्रायंगल ऐसे लेते हैं और इसमें हम थीटा बोल रहे हैं तो इस बार मेरा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये थीटा है तो हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक्स थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ ये देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये मेरा ये तीन अगर समझ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बोलते हैं पी बाई एच को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, पी बाई एच को साइन थीटा बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा कुछ नहीं कॉन्स्टेंट है कुछ नहीं, और थीटा क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, एंगल तुमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा किस एंगल के लिए बात कर रहा है। ठीक है, जो थीटा थीटा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसे जो लगा हुआ है वो हो जाएगा मेरा बेस। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से देखें तो पी इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, एच साइन थीटा। देखो पी इक्वल्स टू एच साइन थीटा, अगर उधर मल्टीप्लाई कर दें पी इक्वल्स टू एच साइन थीटा हो जा रहा है, एच साइन थीटा पी इक्वल्स टू एच साइन थीटा। इसी तरह अगर मान लो ये साइड है तो उसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाता है, पी इक्वल्स टू एच साइन थीटा, ये कंपोनेंट लेते हैं। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल्स टू लिखते हैं बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा लिखते हैं पी बाई बी, पी बाई बी। सबसे पहले पी बी एच तुमको डिसाइड करना पड़ेगा एंगल के हिसाब से, एंगल के सामने वाला पी होता है और उससे लगा हुआ बेस होता है। ठीक है, उसके हिसाब से कॉस थीटा हो गया साइन थीटा हो गया, तो यहाँ से मेरा बी इक्वल्स टू क्या आ गया, एच साइन थीटा। तो जब भी हम लोग देखते हैं मान लो कोई फोर्स लग रहा है, जैसे कोई भी फोर्स लग रहा है एफ, एफ लग रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा बनाता है तो इसका दो कंपोनेंट होता है, हमेशा दो कंपोनेंट में स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, दो भाग में ब्रेक कर लेते हैं एक्स में और वाई में। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा जो चिपका हुआ है बेस के साथ, उसमें कॉस आ जाएगा, देखो थीटा से जो लगा हुआ साइड है उसमें बेस आ गया, ये तो हाइपोटेनस है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, और ये होगा एफ साइन थीटा। बेसिक ब्रेक करने का हमेशा यही तरीका है, हमेशा ब्रेक करके काम करते हैं। ठीक है, और टेन थीटा हो गया मेरा ये, अच्छा उसी तरह साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा और टेन थीटा हो गया। ठीक है, और ये भी देख लो, या और कुछ होता है, एक होता है तुम्हारा साइन का अपोजिट होता है, वन बाई साइन थीटा को बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा वन बाई साइन थीटा। उसी तरह वन बाई कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, ये हो गया मेरा एच बाई बी। ठीक है, और वन बाई टेन थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये हो गया मेरा बी बाई पी, ये बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा टेन थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों को डिवाइड करें अगर, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर करके देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके देखो तो क्या आ रहा है, पी बाई एच बाई बी बाई एच, यहाँ से मेरा क्या आ गया, पी बाई बी आ गया, सेम आ गया।